हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं अपना काम सब अच्छे से निपटा ली हूँ और अभी चल रही हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं वो भी देखना जरूरी है और उन लोग का आज टेस्ट है। तो अभी उन लोग को मैं देख के आई हूँ कि आप लोग प्रॉपर लर्न कर लो, याद हो जाए अच्छे से और राइटिंग भी अच्छे से लिखो, क्योंकि वैकेशन के टाइम पे बच्चे का मन पढ़ाई में तो नहीं लगता है, ज्यादातर उन लोग का मन खेलने में लगता है। लेकिन ज्यादा खेलेंगे तो जो भी उन लोग को याद रहेगा वो भूल जाएगा दोस्तों, और राइटिंग जो उनकी हैंड राइटिंग होती है ना, वो समझ लो चिड़ई के टांग के जैसे दिखती है इधर से उधर। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो फिर दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि काम के साथ साथ बच्चों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है, खासतौर पे वैकेशन के टाइम पे, क्योंकि वैकेशन के टाइम पे उनको पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है और वो सारा दिन खेलने, मस्ती करने में, घूमने में, और जिस दिन छुट्टी रहती है तो बोलते हैं कि मम्मा कहीं बाहर चलो घूम के आते हैं, या तो कहीं चलो रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, तो ये सारे मौज मस्ती लगी रहती है। तो चलिए पहले अपने देखती हूँ कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी चलती हूँ, उनको देख सकती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉल का क्या है इन लोगों ने, तो यहाँ ये लोग पढ़ रहे थे तो इन लोग को बहुत समझाई। तो ये देखिए, ये एक इनकी बुक है, बुक के साथ भी पेंसिल यहीं छोड़ के गए हैं, बैट वही रखा है। तो इन लोग को मैं बहुत डांटी, बोली कि आप लोग का आज टेस्ट है और अच्छे से जो अच्छा नंबर लेके आएगा उसको मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, क्योंकि बच्चों को गिफ्ट का लालच देके ही पढ़ाना पड़ता है, खासतौर वैकेशन के टाइम पे। तो मैं सोचती हूँ ना दोस्तों कि घर के साथ साथ, कामों के साथ साथ घर के बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। बच्चे संभाल लिए तो पूरी जिंदगी सवर गई, ये बच्चे मतलब ऐसे ही होते हैं। तो अभी चलती हूँ, देखती हूँ कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि मस्ती कर रहे हैं। तो चलती हूँ। ये देखो, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि रट्टा मार रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, एक दूसरे के साथ इस तरह बैठे हैं और गप्पे भी मतलब अच्छे खासे लगाए, और मेरी आवाज सुन के ये लोग अभी से इतने शांत और धैर्य से बैठ गए हैं कि पूछिए मत। तो अभी चलती हूँ, देखती हूँ कि अयान सस्मित कितना लर्न किए हैं, कितना अभी बाकी है, और इन लोग की कॉपी राइटिंग भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये लोग कैसे मस्ती करते हैं। आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, ये आप सब देख रहे हैं, ये मेरे पति देव की करादानी है और आज वो ऑफिस थोड़ा लेट गए हैं और इसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था। तो मैं जिस पॉलिथीन में रखती हूँ ना सब अच्छे से, वो निकाल के पूरा बेड पे इस तरह बिखरा दिए हैं, और बिखराने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट था वो लेके चले गए हैं। और जब मैं उनसे बोली कि ये क्या किए, तो बोले हैं कि आप इसको अच्छे से रख देना। तो बताइए दोस्तों, और हम हाउसवाइफ पूरा दिन मतलब एक सुबह से उठते हैं, घर का काम, झाड़ू पोछा, ये सब साथ में बच्चों को संभालना, और ऊपर से ये जो लोग हस्बैंड लोग होते हैं ना हमारे, बोलते हैं कि आप घर का कौन सा काम करते हो, खाना ही बनाना तो रहता है। तो आप सब जैसा देख रहे हैं कि खाना ही बनाना तो रहता है, लेकिन ये देखिए ये क्या करके गए हैं। अब इसको भी मुझे अच्छे से रखना है, क्योंकि ये जरूरत की कागजे हैं उनकी, फाइलें वगैरह, डॉक्यूमेंट मतलब सारी चीजें हैं उनकी। और यहाँ पे मैं अयान सस्मित को पूछती हूँ कि आप सब ने लर्न किया है कि नहीं, बताइए आप सब अपना लर्न हो गया है, क्या कर रहे हो? आज आप सबका टेस्ट है ना ट्यूशन में? तो तुम भूल गए थे क्या टेस्ट देना? नहीं, ये टेस्ट है कि नहीं। तो आप अपनी राइटिंग दिखाओ, कैसे लिखे हो आप सब कॉपी राइटिंग इंग्लिश की? ये देखिए अयांश की कॉपी राइटिंग है, और अभी अयांश को बोल रही हूँ कि थोड़ा और सुधारिए अपनी राइटिंग में, क्योंकि अयांश ना सोचते हैं कि मैं फटाफट लिख लूं और फटाक से मेरा हो जाए और मैं जाऊं खेलने के लिए। और अश्मित को देखती हूँ कि अश्मित अपना दिखाओ। अश्मित, अश्मित ये कॉपी राइटिंग है आपकी, अश्मित की कॉपी राइटिंग आप सब देख सकते हो, अश्मित ने कैसे लिखा है ये कॉपी राइटिंग। थोड़ा और राइटिंग सुधारिए, अगर बच्चों को ध्यान नहीं दोगे तो वैकेशन के टाइम तो बच्चे ऐसे ही रहते, देख सकते हैं इन लोग का पढ़ाई में कैसे बिल्कुल मन नहीं लगता है, कोई इधर अंगड़ाई ले रहा है, कोई उधर अंगड़ाई ले रहा है, इसी तरह से ये लोग रहते हैं घर पे।
और अभी मैं चल रही हूँ अपने पति देव की जो सामान यहाँ बिखेर के गए हैं उसको उठा के अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि उनको जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ही सबसे पहले पूछेंगे कि खुशबू आपने ये सामान मेरा कहाँ रखा है। तो इससे अच्छा यही है दोस्तों कि मैं ही अच्छे से उठा के रख दूंगी। आएंगे शाम को तो उनकी खबर लेती हूँ कि आप मुझे बोलते हो कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ खाना ही बनाती हूँ, तो देख सकते हैं। और दोस्तों घर के साथ साथ कामों में जो रहता है ना, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी रहता है। ये देखिए आयांश क्या कर रहा है, अपने पापा का क्या लिया हो आयांश? चेकबुक। ये पापा का नहीं है, ये मेरा चेकबुक भी नहीं है, ये मेरा लाइट बिल बुक है। ये देखो ये पढ़ाई होती है, ये लोग पढ़ाई कम करते हैं मस्ती ज्यादा करते हैं। तो आज अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो समझना, अगर नंबर अच्छा आएगा तो मैं अच्छे से पार्टी दूंगी, एकदम सरप्राइज पार्टी। याद है मम्मा, आज टेस्ट नहीं था, कल टेस्ट था, कल नहीं था आज था। अरे ये देखो खुद से कंफ्यूजन में है, कल नहीं था आज था, पर आयांश को बराबर याद रहता है। और इन लोग के लिए मैं ये बुक मंगाई हूँ जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है, मुझे सिखाना रहता है हिंदी। इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो हिंदी नहीं आती, और हिंदी आना भी बहुत जरूरी है। यहाँ से मैंने ये शुभम ज्ञान भारती है बुक का नाम, और ये मैं गांव से मंगाई हूँ, कोई आ रहा था एक जन तो उनसे ही मंगाई हूँ। और ये इन लोग की हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको आना चाहिए छोटे हो या बड़े, और इस तरह से इनको मैं मंगा दी हूँ। और यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश और मराठी चलती है, साथ में हिंदी, हिंदी तो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो ये दो अक्षर वाला है, ये तीन है, चार पांच और आग का मात्रा छोटी उ ए ए अंक सबकी मात्रा है। यहाँ पर ये पोयम है चतुर गिलहरी, और इन लोग को मैं बापूजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि बापूजी हमारे कैसे थे, और बताना भी जरूरी है कि कैसे थे, क्या क्या किए थे अपने समय में। तो ये उनका पोयम है, बापू कितने प्यारे थे, बापू कितने अच्छे थे, जो कहते करके दिखलाते, वीर पुरुष वो सच्चे थे, नहीं झुके अंग्रेजों के आगे, अपनी धुन की पक्के थे, उदातों के उदास पे बच्चों में बच्चे थे, उस्तादों के थे उस्ताद पर बच्चों में बच्चे थे, ऐसे बापू सच्चे थे। तो ये सब इन लोग का पोयम रहता है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग पहाड़ा बोलते थे, ये लोग टेबल बोलते हैं, तो इन पहाड़ा भी समझ लीजिए है, और फिर यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी ये अल्फाबेट भी दिया है, एबीसीडी है पूरा, और व्यंजन है, स्वर है, मात्राएं भी आना जरूरी है, और डे और मंथ का है। तो इस तरह से इन लोग को मैं ये बुक अभी वैकेशन के टाइम पे सोच रही हूँ कि इन लोग को पूरा से लेके ज्ञ तक मात्रा, और क से लेके अ से लेके अंक तक मात्रा, और क से लेके ज्ञ तक पूरा कख याद करा दूं, क्योंकि बच्चों को याद कराऊंगी तभी बच्चे आगे पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ने में उन लोग को आसानी रहेगी। तो ऐसे ही मैं बच्चों को अपनी देखभाल भी करती हूं, और अब भी चलती हूं, थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूं, और उसके बाद ये देखिए ये लोग सजा के यहाँ रखते हैं, यहाँ तक दवा भी मेरे जो रहती है वो भी। और यहाँ पे मैं ये सिलाई भी की हूँ, मैं आप सबको दिखाई थी कि मेरा एक ब्लाउज है जो कि मैंने ही बनाया है। देखिए मैं घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी संभालना रहता है, और अपना ये देखिए ये मेरा ब्लाउज है, और मैं सादा बनाती तो हूँ डिजाइन, पर अपना सादा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लटकन लेके आई थी, आप सबको दिखाई थी कि लटकन कितना प्यारा था, और रेड कलर मेरी साड़ी है, इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाली हूँ। ये जो पैच है, ये पैच है, और यहाँ से डबल लेस बना के, और ये सामने से इधर ये भी कर दी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका ये जो पैटर्न है आज दिन पे। तो ये मेरा ब्लाउज भी तैयार हो गया है, तो अभी दोपहर भी तो हो गया है, खाने का भी टाइम हो गया है, सुबह ये लोग लंच किए थे तो अभी चल रही हूँ खाना खाने। तो चलिए आज सुबह के खाने को लंच नहीं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे तो अभी चलती हूँ लंच करने, और इन लोग से पूछती हूँ कि क्या क्या खाते हो। और खाने में हमने तो बनाया ही है, दाल बनाया, चावल, रोटी, सब्जी। तो चलती हूँ अब खाना निकाल के लेके आती हूँ, बच्चों को भी खिलाऊंगी, साथ में मैं भी खाऊंगी।
तो दोस्तों ये हमारा सब रूटीन है, मेरे बच्चों को संभालना, घर का काम करना साथ साथ में। तो आप सब ने देखा कि मैं बच्चों को किस तरह संभालती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट लाइक जरूर करना। क्योंकि क्या होता है कि आप सब देखने के चक्कर में लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो, तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी सजेशन रहे तो कमेंट के जरिए बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में बताएंगे तो मैं जान सकूंगी आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।